So NEET 23 का रिजल्ट इज आउट एंड एवरीबॉडी ओवर हियर इज जस्ट बिट स्ट्रेस्ड कि क्या होने वाला है एज अ रिजल्ट। तो बच्चों ऑन दिस रिजल्ट डे व्हिच इज 13th of June आप लोग कैसे अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, पांच टिप्स आपसे मैं शेयर करूंगा। नंबर वन है एक्सेप्ट द फीलिंग्स। देखिए बच्चों जिस तरह के भी फीलिंग्स आपके माइंड में आ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने अच्छा एग्जाम दिया तो यू माइट बी हैविंग द गट फीलिंग कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, और अगर आपने एग्जाम नहीं अच्छा दिया है या आप 200-250 मार्क्स के आसपास लेके आ पाते हैं तो उस केस में उस फीलिंग के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हमें चाहे सिलेक्शन हो चाहे रिजेक्शन हो दोनों के लिए इक्वली हमें स्ट्रांग और रेडी रहना चाहिए। नंबर टू चीज जो है वो है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने आप को कंटिन्यूअसली एक ही चीज सोचने में मजबूर मत करो। इनसेड आप क्या कर सकते हैं कि कुछ प्लान कीजिए, मोटिवेशनल मूवीज देखिए, अपने जो सीनियर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नीट के एग्जाम क्रैक किए हैं उनसे बात कीजिए, उनसे टिप्स लीजिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए, अपने पेरेंट्स से बातें कीजिए, अपने जो एग्जाम की जर्नी थी जो एक साल दो साल आपने दिया उसके बारे में शेयर कीजिए उनसे। इसके अलावा थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं वो हो सकती है कि प्रैक्टिस करो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रनिंग के लिए निकल जाइए, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। जब मैं कभी चीज़ों के लिए स्ट्रेस्ड होता हूँ तो आई वियर माई शूज और मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूँ और लॉन्ग ट्रैक बस रन करते रहता हूँ। हाफ एन आवर अगर मैं कंटिन्यूसली रन करता हूँ तो इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ स्ट्रेस आउट ऑफ मी और काफ़ी अच्छा फील होता है। इसके अलावा जो है एक्सेसिव ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। द फोर्थ पार्ट इज के अवॉइड द एक्सेसिव ओवर थिंकिंग। सो वी ऑल नो दैट थ्रू आउट द ईयर जो मेरी जर्नी रही है उसका रिजल्ट आ जाने वाला है एंड नो वन विल बी एबल टू स्टॉप माई रिजल्ट। तो इट्स बेटर कि मैं अननेसेसरी ये थिंक करके केओटिक सिचुएशंस को पुट अप करके या फिर नेगेटिविटीज में घुस के अपने काम खराब ना करूं। इट्स बेटर कि ओवर थिंकिंग ना करके हम फ्यूचर प्लानिंग करें। हमारे पास में दोनों प्लान होने चाहिए, प्लान ए कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, प्लान बी कि नहीं होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, पार्शल ड्रॉप करना चाहिए, फुल ड्रॉप करना चाहिए। एंड इसके रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है, डू वॉच इट ऑन बायोटॉनिक। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, दैट इज फिफ्थ वन, दैट सीक सपोर्ट। द मीनिंग ऑफ सीकिंग सपोर्ट इज मैं कंटिन्यूअसली अवेलेबल हूँ आप सारे बच्चों के लिए। वॉट एवर द डाउट यू फेस, वॉट एवर द स्ट्रेस और वॉट एवर द डिस्ट्रैक्शन इज देयर, वॉट यू वॉन्ट रिवील विद मी, आप मुझे कॉमेंट कीजिए इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। आई बी डेफिनेटली फाइंडिंग यू और मैं आपको रिवील करूंगा द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे कंटिन्यूसली मिलिए, सो दैट कि आपको एक मोटिवेशनल सपोर्ट, या कह सकते हैं कि आपको एक सेंटीमेंटल सपोर्ट मिलता रहे। ये सारी बातें थी मेरी तरफ से, आई एम योर केमिस्ट्री विजार्ड संजय आर्या। स्टे ट्यून्ड ऑन बायोटॉनिक फॉर सच अपडेट्स। ऑल द बेस्ट।